इमाम अबू हनीफा कहते हैं कि माँ या बेटी के साथ है तो हद जिना नहीं है, इसकी क्या दलील है? तो कहाँ लिखा हुआ, पहले हमारी बात लेकर भेजो। वहां तो ये बात नहीं लिखी कहीं भी, वहां तो ये है कि किसी ने माँ बहन से निकाह कर लिया और निकाह के बाद सोबत की, तो आया ये जिना मूजबे हद है या मूजबे ताजीर है? पहला मसला तो ये लिखा है कि सिर्फ इतना कह देना कि माँ के साथ निकाह जायज है, इतना कहने से आदमी मुर्तद है, वाजिबुल कत्ल है हमारे, जबकि इनके यहां वो मुर्तद नहीं है, वाजिबुल कत्ल नहीं है। इसलिए हमारे यहां उसकी सजा कत्ल है ये कहते नहीं। अगर गैर मुकद्दर लड़के ने बहन से निकाह कर लिया है तो 100 जूते मार के छोड़ दो ताकि फिर दूसरी से करे, फिर तीसरी से। अगर हनफी फिका के मुताबिक कत्ल कर दिया गया तो बाकी बहने बेचारे किसका मुंह देखेंगे, और इधर गैर मुकद्दर दुनिया में पैदा होने बंद हो जाएंगे, कैसे पैदा होंगे जब मां भी कत्ल होगी बहन भी कत्ल होगी। तो अब देखो रहा मसला, तो इनको समझ नहीं, जो ये कहता है कि यहां हद जिना लगेगी, वो कहता है चूंकि निकाह बातल है, बातल निकाह कोई असर नहीं पड़ता हद पर, कियास कहता है कि असर नहीं पड़ता, निकाह बातल है ना। इमाम साहब कहते हैं कियास करो जब हदीस ना हो, जब हदीस साफ है अयो मामिलत नकद बगैर इज्ने वरिया पर निकाह हुआ बातलुन बातलुन बातलुन, हमने 3 मरतबा इस निकाह को बातिल फरमाया लेकिन हद नहीं लगाई। तो जब हजरत ने हद में निकाह का बातिल का असर कबूल कर लिया है तो मैं इस हदीस से क्या छोड़ता हूँ? तो ये है लेकिन मेरे जाई के लिए थे हर जाई के लिए थे, मेरे जाई के लिए थे हर जाई का जख्म उलमाए देवबंद नानात भी कलश कर सिद्दीक़ा वफ़ा का पेकर उलमाए देवबंद उलमाए